Assalamualaikum, welcome to Hania's Kitchen. आज हम बना रहे हैं crispy chicken burgers with fries. उसके लिए जो अज्जा हमें चाहिए वो ये हैं. मैदा 1 कप, 2 अंडे हमने बीट करके रख लिए हैं, ब्रेड क्रम्स 1 प्याली, पानी बैटर बनाने के लिए, 1 kg ऑयल फ्राइंग के लिए, नमक 1/2 टीस्पून या हस्बे जायका, पेपर का पाउडर 1 टेबल स्पून. अगर आपको स्पाइसी नहीं चाहिए तो आप सिर्फ 1/2 टीस्पून डाल लीजिएगा. चीज़ स्लाइसेस 3 से 4, 1 टमाटर को स्लाइसेस में कट कर लें. चिकन ब्रेस्ट 500 ग्राम्स, धो के इसकी स्किन उतार लें. मिल्क 3 टेबल स्पून, सोया सॉस 1 टेबल स्पून, विनेगर 1 टेबल स्पून, केचप बर्गर में डालने के लिए, बन 3 से 4 अदद. हमने 2 आलू लेके उनको फ्राइज की शेप में कट करके फ्राई होने के लिए डाल दिया है. जब तक ये फ्राइज रेडी होते हैं हम अपना बैटर बना लेते हैं. अब हम मैदे में नमक ऐड करेंगे. नमक को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे. अब हमने इसमें पेपर का पाउडर ऐड कर लिया है, हम इसको भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे. अब हम इसमें सोया सॉस ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे. अब हम इसमें सिरका या विनेगर ऐड करेंगे, इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे. अब इसमें दूध ऐड करेंगे, हम इसको मिक्स करते रहेंगे. दूध डालने से फिलेट्स बहुत ही टेंडर बनेंगे. अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसका बैटर बना लेंगे. अब इसमें और पानी ऐड करेंगे थोड़ा सा. अच्छे तरीके से इसको मिक्स करते रहेंगे. इसमें बिल्कुल लम्स नहीं होने चाहिए. और अब ये हमारा ज़बरदस्त सा बैटर रेडी है. ये फ्राइज जो हैं ये रेडी हैं, अब हम इनको निकाल लेंगे. इनको मैंने थोड़ा सा नमक डाल के फ्राई किया है. हमारे फ्राइज रेडी हो गए हैं. अब हमने इसको टिश्यू पे रखा है ताकि इसका एक्सेस ऑयल जो है वो निकल जाए. हमने एक बोल में चिकन ले ली है. अब हम इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे और 1 टेबल स्पून सोया सॉस ऐड करेंगे. अब इसको अच्छे तरीके से मैरिनेट कर लेंगे और 10 मिनट्स के लिए फ्रिज में रख देंगे. अब 10 मिनट्स के बाद हमने इसको फ्रिज में से निकाल लिया है. अब हम इनको कट करेंगे. आप एक पीस लें ब्रेस्ट का और उसको सेंटर में से कट कर लें इस तरीके से. इस तरीके से कट कर लें. अब सेंटर में से इसके 2 पीसेस और कर लें और इसी तरह बाकियों को भी कर लें. अब हम इन पीसेस को बैटर में डिप करके फ्राई करते जाएंगे. अब हम सबसे पहले इस चिकन के पीस को अंडे में डिप करेंगे. अब हम इसको बैटर में डिप करेंगे. अच्छे तरीके से इसको कोट कर लेंगे सारी साइड से. अब हम इसको ब्रेड क्रम्स में डिप करके मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे. इस तरीके से हम इसको डाल रहे हैं. अब इसको फ्राई होने देंगे.
और बाकी पीसेस को भी इसी तरीके से कोट करके फ्राई कर लेंगे। इसी तरीके से हम दूसरे पीस को भी करेंगे, पहले एग में डिप और अब बैटर में डिप और अब ब्रेड क्रम में। इसको अच्छे तरीके से कोट कर लेंगे। इसको भी हमने इसमें डाल दिया अब फ्राई होने के लिए। इसको मीडियम आंच पे फ्राई करिएगा ताकि चिकन अच्छे तरीके से पक जाए। जब ये एक तरफ से गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो हम इसको टर्न कर लेंगे। ये हमने सारे फ्राई होने के लिए डाल दिए हैं। ये आप देखें कि ये कितनी अच्छी तरह फ्राई हो रहे हैं। ये अच्छी तरह फ्राई हो रहे हैं, हम इनको सर्व करके उसके बाद इसके बर्गर बनाएंगे। अब हम थोड़ी सी लेटस भी ले लेंगे और उसको इस तरीके से तोड़ लेंगे। अब हम एक बन लेंगे, उसमें सबसे पहले लेटस रख रहे हैं। अब उसमें टमाटर रखेंगे। अब हम उसमें एक चीज स्लाइस रखेंगे। अब हम इसमें मेयोनीज ऐड कर रहे हैं। अब हम इसमें फिलेट रखेंगे। ये देखें कितना जबरदस्त क्रिस्पी फिलेट बना है। अब हमने इसमें केचप डाल दिया। अब हम इसमें एक और चीज स्लाइस रखेंगे और ये बर्गर बन गए। ये देखिए कितना जबरदस्त सा बर्गर तैयार हो गया हमारा। अब हम इसी तरीके से बाकी बर्गर्स भी रेडी कर लेंगे। अब हम दूसरा बन लेके उसके अंदर लेटस रखेंगे। अब उसमें चीज स्लाइस डालेंगे। अब हम ये बाकी भी रेडी कर रहे हैं उसी तरीके से। कुछ फिलेट्स हमारे स्पाइसी और कुछ नॉन स्पाइसी हैं। आपकी मर्जी है, या तो आप सिंगल चीज स्लाइस ऐड कर दें या फिर डबल कर दें। ये हमारे जबरदस्त से बर्गर रेडी हैं। अब हम बस इनको सर्व करेंगे। ये हमारे जबरदस्त से क्रिस्पी बर्गर्स रेडी हैं। नाउ इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर कंटेंट। थैंक यू।